शिक्षा है उनको राजनीति विरासत में मिली है, अनुभव विरासत में मिला है, ये सूझबूझ ये जागृति उनको आई है। एक कारण तो ये है कि लालू जी के परिवार से हैं वो और हम सब उनका स्वागत करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहूंगा कि वो वेल सेटल्ड होने के बावजूद, विदेश में पति और बच्चों के साथ रहने के बावजूद, ये उनके अंदर जो खासियत या राष्ट्रीय जनता दल के सबसे शीर्ष या शीर्षस्थ नेतृत्व के लिए जो उन्होंने पुत्री के नाते भी समझो जो त्याग किया, जो अपनी किडनी दी उन्होंने, उससे आम जनता में, लोगों में एक बहुत सहानुभूति, एक बहुत उनके प्रति प्रेम लोगों का है, समर्थन है। और सारे इस ख्यालात, इस भाव को लेकर आज अगर रोहिणी आ रही हैं सारण से या चुनाव लड़ने आई हैं, तो उनका सब कुछ स्वागत कर रहे हैं और सबको उनकी ओर देख रहे हैं। चुनाव लड़ने का तो सबको अधिकार है लोकतंत्र में, और अगर इस अधिकार के नाते वो सामने आई हैं इस जागृति के साथ कि समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, बिहार के लिए कुछ करना है, तो हम समझते हैं कि तमाम लोगों को स्वागत करना चाहिए। अब रही बात कि चुनाव लड़ेंगी, जीत हार का फैसला तो जनता जनार्दन करेगी, जिसका उन्होंने खुद भी जिक्र किया है। और अगर उससे ज्यादा कुछ आप जानना चाहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि भाई ये हमारी पार्टी का मामला नहीं है, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, कौन उम्मीदवार होगा, कौन उम्मीदवार है, तो हम ऐसा कह के निकल भी सकते हैं। लेकिन चूंकि ये वो परिवार है, यानी तेजस्वी यादव का परिवार है, लालू यादव जी का परिवार है, और एक पढ़ी लिखी लड़की सुख सुविधा छोड़कर राजनीति में आ रही हैं, तो हम उसके लिए उनकी हौसला अफजाई करना चाहेंगे, हम उनकी तारीफ करना चाहेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जो अपोजिट के लोग हैं उनके की कह रहे हैं जो सिंगापुर में रहती हैं, क्या करेंगे छपरा के लिए? अभी तो आने वाला वक्त बताएगा। सिंगापुर में रहते बहुत सारे लोग, वो तो ये जब विरोधी दलों के पास या विपक्ष के पास कुछ कहने का नहीं होता है तो फिर ऐसी बातें करते हैं वो। अभी आपने याद होगा कि जब मैं ही चुनाव लड़ने आया था पटना से, एक तरफ तो आप तमाम लोग सबको कहते रहे बिहारी बाबू बिहारी बाबू, लेकिन जब चुनाव लड़ने की हम लोगों ने ठान ली और पटना से चुनाव लड़ना था तो सीधा शुरू हो गए थे, कह रहे ये तो बाहर के हैं और ये तो पटना के हैं, आउटसाइडर है। अरे अभी मैं आसनसोल गया था जहां रिकॉर्ड मतों से आप लोगों के आशीर्वाद से विजय हासिल हुआ, विजय प्राप्त किया, और आसनसोल की जनता जनार्दन की वजह से या ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के भरपूर समर्थन की वजह से एक नई क्रांति वहां दिखी और एक नया जोश कि शायद मिड टर्म इलेक्शन का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड से और रिकॉर्ड मतों से आपके अपने बिहारी बाबू, जिनको वहां बाहरी बाबू कहा गया, वो जीते। उन्होंने कहा बाहरी बाबू है, बिहारी बाबू नहीं है, ये क्या मतलब है? लोकतंत्र में सबको कहीं भी व्यापार करने का, व्यवसाय करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, जियो जीने दो के तहत अपने समाज को आगे बढ़ा सकता है, खुद को आगे बढ़ा सकता है। तो अगर इस नियत के साथ अगर वो आई हैं रोहिणी वहां से सिंगापुर से या विदेश से आई हैं, तो मैं समझता हूं इसकी सराहना होनी चाहिए, अच्छी बात है। और क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इसका फैसला आप अभी कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, पढ़ी लिखी लड़की है, उनके ट्वीट्स की भी तारीफ होती है, उनकी सेवा भावना की खैर बहुत तारीफ होती ही है। अभी लोगों ने परिवार में देखा, वृहद परिवार में देखेंगे, समाज पॉजिटिव थिंकिंग का आदमी मुझ जैसा यही कहेगा और यही सोचता है, तो ये कोई बात नहीं हुई। हम बहुत बहुत शुभकामना और शुभाशीष देते हैं रोहिणी को।